हाँ जी दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज में। दोस्तों, एचएससी ग्रुप डी भर्ती, दोस्तों पुरानी वाली भर्ती और नई भर्ती, और दोस्तों स्पोर्ट्स वाले, वेटिंग वाले सभी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सभी के लिए कुछ ना कुछ जरूरी सूचना है इस वीडियो में। दोस्तों, अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ बस हमारी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दें, एक बार लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट कर दें। दोस्तों, साथ के साथ बेल आइकन वाला बटन भी प्रेस कर दें ताकि भविष्य में हम कोई वीडियो अपलोड करें उसका सीधा नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, हम आपके लिए जो अर्जेंट न्यूज होती है वो आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज पर अपलोड कर देते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये आज का लेटर जारी किया है चीफ सेक्रेटरी की साइट पर। दोस्तों, ये आपके बहुत सारे डिपार्टमेंट है उन्हीं के पास ये लेटर फॉरवर्ड कर दिया है। और दोस्तों, ये आज की डेट है 24/7/2019 और सब्जेक्ट आप देख पा रहे हैं 21/88 CWP 3073/2019 रिगार्डिंग ज्वाइनिंग ऑफ ग्रुप डी पोस्ट स्पोर्ट्स कोटा। मतलब कि इस भर्ती पर केस था, स्पोर्ट्स ग्रेडेशन से संबंधित ये केस था। और दोस्तों, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई थी बहुत सारे डिपार्टमेंट में, और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे उनकी ज्वाइनिंग हो चुकी थी सपोर्ट्स वालों की, लेकिन सरकार ने उनकी ज्वाइनिंग नहीं की थी क्योंकि जो ग्रेडेशन का चक्कर था उनकी वजह से उनकी ज्वाइनिंग नहीं की थी और उन्होंने केस कर दिया था इस भर्ती पर। दोस्तों, हाई कोर्ट ने फैसला भी सुनाया कि आप 19/1/2019 के अनुसार अपना ग्रेडेशन बनवा लें, अगर उस समय तक आपके पास ग्रेडेशन है तो आपकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया हो जाएगी पूरी, वरना आपकी ज्वाइनिंग नहीं होगी। दोस्तों, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे इस शर्त के तहत भी उनके पास जो स्पोर्ट्स ग्रेडेशन वाला सर्टिफिकेट था वो नहीं था, लेकिन उन्होंने केस कर दिया था भर्ती पर और उसकी सुनवाई भी चल रही है भर्ती की। अभी जो फाइनल डिसीजन नहीं आया, फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। दोस्तों, सबसे बड़ी बात क्या है, सरकार ने, चीफ सेक्रेटरी ने एक और समय दिया है इन सभी कैंडिडेट को कि आप अपना ग्रेडेशन बनवा लें, 31/8/2019 तक आपको अपना ग्रेडेशन जमा करवाना है और आपकी उससे पहले ज्वाइनिंग हो जाएगी। आप आराम से एक महीने के अंदर अंदर अपनी जो ग्रेडेशन है वो कंप्लीट कर लें एक प्रकार से, और जिस डिपार्टमेंट में आपकी ज्वाइनिंग हुई है वहां पर जमा करवा दें। दोस्तों, बात करते हैं दूसरे नोटिस की, ये 31/8/2019 है, इसके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया। बात करते हैं दूसरे नोटिस की, ये भी आज का ही नोटिस है 24/7/2019। और दोस्तों, ग्रुप डी की जो पोस्ट है, एडजस्टमेंट ऑफ 71 कैंडिडेट ऑन वैकेंट पोस्ट इन ग्रुप डी इन डिफरेंट डिपार्टमेंट, मतलब कि 71 कैंडिडेटों की ज्वाइनिंग हुई है, अलग अलग डिपार्टमेंट में इनकी ज्वाइनिंग की गई है और ये अभी न्यू सिलेक्टेड कैंडिडेट है जिनकी ज्वाइनिंग हुई है। 71 कैंडिडेट और भी सिलेक्टेड किए गए हैं ग्रुप डी की पोस्ट पर। दोस्तों, अब बात करते हैं आपकी वेटिंग वालों के। दोस्तों, अब इस भर्ती के जो चांस है, जो पुरानी जो अड़चल थी आपकी, वो बिल्कुल ख़त्म होने वाली हैं। लगभग जो भी पोस्ट अब खाली बचेंगी उन सभी पर ग्रुप डी के जो वेटिंग वाले हैं, किसी भी कैटेगरी से है कोई भी, अब उनकी वो प्रक्रिया लगभग स्टार्ट होने वाली है और उनकी भी ज्वाइनिंग हो जाएगी, बहुत जल्द ज्वाइनिंग हो जाएगी। जैसे कि हम आपको पहले से ही बता रहे हैं, अगस्त महीने में उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, चिंता वाली कोई बात नहीं है। सभी वेटिंग वाले हैं, लगभग सभी वेटिंग पूरी हो जाएगी। अगर बाई चांस किसी भाई का कोई सिलेक्शन नहीं होता है वेटिंग में, तो जो नई भर्ती आएगी, सीएम साहब ने पहले ही बोल दिया है, उस नई भर्ती में इन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। हो सकता है इन्हें कुछ छूट दी जाए, नंबर में, एज में, हर तरीके से इन्हें छूट दी जाएगी। दोस्तों, बात करते हैं नई भर्ती की। दोस्तों, अब नई भर्ती के चांस भी ज़्यादा हो गए हैं, ये जो पुरानी वाली भर्ती प्रक्रिया लगभग ख़त्म होने वाली है, अब नई भर्ती के जो चांस हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि अब सरकार ये जो सरकार है हलचल में आ गई है एक प्रकार से। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ग्रुप डी के रोज़ नए नए नोटिस आ रहे हैं। आज भी हमने सुबह इस पर एक वीडियो बनाई थी, जो आउट्स, जो आपकी जो कॉन्टैक्ट बेस पर या बेसिक, यानी कि जो कॉन्टैक्ट बेस पर या DC रेट पर लगे हुए हैं उनसे संबंधित हमने एक सुबह भी वीडियो बनाई थी ग्रुप डी से संबंधित। और दोस्तों, अब ये भर्ती प्रक्रिया बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है नई भर्ती, और दोस्तों पुरानी जो भर्ती है वेटिंग वाली, उनके भी ज़्यादा चांस हो जाते हैं क्लियर होने के। दोस्तों, हमने अपनी तरफ से आप सभी को इस वीडियो में पूरी जानकारी दी है, हम आशा करते हैं आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। दोस्तों, आप सभी ने ये वीडियो यहाँ तक देखी, आप सभी का दिल से
आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।